हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बजने वाला है, मात्र 5 मिनट बाकी है। और आज जो है ना दोस्तों, नींद हमारा खुला है, सुबह हो गया था तब, तो हमको इधर आते आते 5:30 हो गया है। आज बुक नहीं पढ़ पाया हूँ, देख सकते हैं अभी सूर्योदय हो चुका है। अभी तो सूर्य दर्शन कीजिए, ओम श्री सूर्याय नमः। तो चलिए दोस्तों, सूर्य नमस्कार कर लिए और अभी दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं। वीडियो अपलोड नहीं करना किया था, इसके लिए आना पड़ा है, नहीं तो नहीं आते। माल सारी आने लगते और बुक पढ़ते, तो घर पे जो है नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है, इसके लिए इधर आ जाते हैं। इधर जो है ना, यहाँ पे नेट भी फास्ट काम करता है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है। और दोस्तों आज जो है ना धूप थोड़ा मध्यम है, लेकिन हवा चल रहा है और मस्त सुबह का मौसम, तो मस्त सुहाना तो होता ही है, सुहाना मौसम है अभी का। देखते हैं आज पूरे दिन कैसा रहता है, क्योंकि कल तो ऐसा ही समय था सुबह सुबह, लेकिन 11 बजे के आसपास में बारिश खूब तेज आ गया, फिर भी सेल अच्छा हुआ। चलिए दोस्तों, अभी इधर घूम लिया, वीडियो अपलोड भी हो गया है और अभी मैं चलता हूँ घर पे, माल सरियाना है। हाल दोस्तों, खेत में पूरी तरह से बन चुका है, देख सकते हैं बारिश तेज हुआ, पूरा उजला उजला मिट्टी था लेकिन सब हरा हो गया है, अब मस्त हो गया है। और इधर तो देख सकते हैं बिया भी गिर गया है, पनिया बिया इसको बोलते हैं, पनिया बिया गिरा है इसमें, और ये 20 दिन में तैयार हो जाएगा रोपाने के लिए, उसके बाद में रोपनी भी चालू हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों भी आ गया घर, घर पे आकर के भी देख सकते हैं स्कूटर भी खा रहा हूँ, सरमन लाया हुआ था ना, उसी में से एक रखा हुआ है मेरे लिए, तो मैं भी खा रहा हूँ। और चलिए चाय पीता हूँ साथ में, हमेशा नहीं पीता हूँ, कभी कभी पी लेते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है कि पीना ही है, अलम नहीं है, मिलता है तो पीते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मिले या ना मिले, आ गया तो पी लिया तो बस जय सी आराम। चलिए फिलहाल चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, उसके बाद में कपड़ा सरियाएंगे, देख सकते हैं अभी तोपा हुआ हो तो सब कुछ सरियाएंगे, तो अभी सरिया ही रहा था कि देख सकते हैं और सरिया लिया, और सरियाने का बाकी है। देख सकते हैं इधर ये वाला प्लाजो, ये वाला प्लाजो जो देख रहे हैं, इसमें का हमारे जो है ना, इसमें 10 पीस कल लेकर गया हुआ था, तो जिसमें से 2 पीस दिखाया हुआ था, और वो बंडल भी कहीं गिर गया, कोई किसी को जो है ना दिखाया और खुला ही रह गया, इसकी वजह से बंडल भी गिर गया। अभी जब सरिया रहा हूँ तो देखा हूँ कि ये वाला बंडल है ही नहीं, तो हमारा जो है ना कल लगभग 250 का नुकसान किया, दिमाग ही खराब हो गया, 250 का नुकसान हो गया सर। 8 पीस है तो 35 रुपये से 8 × 300 का कपड़ा है, डाल जाने गिर गया मेरे गलती की वजह से, अगर बांध लिया रहता हरवाड़ी में जो है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में खोल कर दिखाने के लिए खोला था, लेकिन उसको बांधे नहीं, ऐसा ही रह गया, गाड़ी चलाने लगे जर्किंग में पड़ा, बस गिर गया। अभी देखा हो तो अभी था ही नहीं, फिर डाल रहा हूँ नया, चलिए अब तो वो गिर गया, पता भी नहीं चलेगा, मेरे में जो गया सो गया, लेकिन अब से ध्यान रखना है, जब भी किसी को दिखाएंगे कपड़ा तो अच्छे से उसको बांध लेंगे उसी समय ध्यान से, वो सही रहेगा। चलिए फिलहाल अभी जो बाकी है उसको सरिया लेते हैं, अभी गमछा भी सरियाना बाकी है। खाली दोस्तों सारे माल को हमने सरिया लिया, इतना हमारे पास रह गया है देख सकते हैं स्टॉक में, और ये गमछा भी हो गया, झोला भी हो गया, और कैरेट में का माल भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है, लेकिन बहुत ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि मेरे गलती की वजह से, छोटा सा गलती की वजह से 300 का नुकसान हो गया, ऐसे बिक्री वाला रेट से कहें तो 400 का, क्योंकि 100 रुपये जोड़ा बिकता है, 8 पीस था तो 400 का, नहीं तो 300 का हमारा पूंजी में से नुकसान हुआ है, खुला ही रह गया था, गिर गया, तो बहुत ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बहुत दुखी मन हो रहा है। तो अभी चलते हैं, 8:15 हो रहा है, अभी चलते हैं स्नान स्नान करके। दोस्तों अभी मैं नहा वहा करके पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ, और अभी खाना खाना है, तो चलते हैं खाना खाते हैं, खाना भी आ गया है, दाल चावल और साग है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में सामान लोड करेंगे फिर निकलेंगे, टाइम 8:45 हो चुका है। खाना खा लिया, खाना खा करके जो है ना माल भी लोड कर लिया हम, देख सकते हैं, और धूप काफ़ी है, हवा भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, टाइम दोस्तों 9:15 हो गया है, तो अभी चलते हैं,
देखते हैं आज कितना का सेल होता है। और आज जो है ना ओढ़नी ओढ़नी बहुत जो है ना ख़त्म हो गया, कुछ ही ओढ़नी बचा हुआ है, यही है लगभग 6-7 पीस है। तो चलते हैं और मिलते हैं फर्स्ट बोरिंग होने के बाद। टाइम 10:30 हो गया है और अपना गांव में ही लगभग 1.5 घंटा समय लगा है। और सेल की बात करें तो दोस्तों 450 का सेल हुआ है, बोनी दोस्तों हो गया है 450 के सेल से। फिलहाल चलते हैं घूमते हैं। और दोस्तों आज है ना धूप के साथ हवा भी चल रहा है, इतना गर्मी नहीं बुझा रहा है, तो चलते हैं फिलहाल घूमते हैं। करते हुए हम आए हुए हैं कुआ है यहाँ पर, कुआ के तो देख सकते हैं यहाँ पंखा लगा हुआ है ऊपर छोटा वाला हुआ है। तो चले से वही ना आ जा हुआ बहन को ले लगे गेट का यही है परसों परसों कहते हैं ना बहन तो बेटी 3:05 बाकी है। और यही मैं सिंगरबा मलाइट वाला सुना हूँ, 3 गांव घुमा हूँ और तीनों गांव मिला करके और अपना गांव सब मिला करके 1500 का सेल हो चुका है। फिलहाल दोस्तों चलते हैं भारी भी है लगभग 400-500 का, देखते हैं मिलते हैं 400 का बाकी है, फिर मिलते हैं बाद ननकार सिमर तक घूमने के बाद। तो टाइम अभी 7:30 होने वाला है और अभी ननकार सिमर तक गाँव में ही हूँ, अभी हो गया अभी चलते हैं। और दोस्तों टाइम ज़्यादा लग गया है क्योंकि सेल तो कम ही हुआ है, तो अभी चलते हैं, टाइम भी हो गया है 7:30 तो चलते हैं। और उधारी मांगने के चक्कर में लेट हो गया, उधारी तो मिला है लगभग 300 के आसपास तक। खाली दोस्तों अभी मैं आ गया घर, गाड़ी भी लगा दिया इधर, माल भी उतार ले दे सकते हैं। टाइम आते आते 8 बज चुका है, वो तो चलिए और लेट हो गया आज ननकार सिमरदा में ही क्योंकि उधारी मांगने के चक्कर में लेट हुआ है। ऐसे उधार मिल गया है 450 के आसपास था तो 300 मिला है और नहीं मिला है। और इतना ज़्यादा मोल भाव करता है, इतना ज़्यादा मोल भाव करता है कि लिया कुछ भी नहीं। 3 कुर्ती के लिए 1 घंटा समय लगा दिया, पौने 1 घंटा समय लगा दिया, लिया भी नहीं। और ऐसा रेट लगा रहा था कि खरीदारी से भी कम रेट लगा रहा था, इसके लिए नहीं दे रहे थे और न पैसा दे रहा था न कुर्ती दे रहा था, झिक झोर कर रहा। फिर भी वो हमारे थोड़ा सा कमी की वजह से भी ऐसा कर रहा था क्योंकि मैं ढीला कर दिया था और ज़्यादा प्रेम से बात, वो ऐसा पोजीशन है तो प्रेम से बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उससे मतलब क्लियर कर लेना है, जितना में लेना है लो वरना मत लो, बस चलो। थोड़ा सा जो है ना क्रोध थोड़ा सा भी दिखाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, तब जो है ना अच्छा रहेगा, नहीं तो ज़्यादा अगर प्रेम से बोलिएगा तो फिर घाटा लगेगा हमें ज़्यादा मोल। और दूसरी बात कि ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ, थोड़ा सा बढ़ा के 10-5 रुपये बढ़ा के बोलता हूँ, इसकी वजह से भी होता है। गांव में तो मोल भाव बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सामान को 150 में बेच रहे हैं उसको 200-225 बोलना पड़ता है, फिर 150 में बिकता है, लेकिन मैं 150 में जो बेच रहे हैं उसको 160-170 ही बोलता हूँ, इसकी वजह से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब से जब भी देखेंगे कि 150 बेचना है तो उसको 200-225 ही बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे फेरी करने से ही और ग्राहक के मोल भाव के देख कर ही सीख मिलता है और अच्छे से सेल भी होता है, कस्टमर से बात भी दूसरे तरीके से करना पड़ता है। तो लेट तो आज ज़्यादा हो गया, आते आते अभी चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, हाथ में पोछ करके फिर खाना खाएंगे। खाली दोस्तों अभी हमने खाना वाना खा करके आ गया हूँ बिस्तर में और दोस्तों अभी चलते हैं, नींद भी आ रहा है, लेकिन अभी मंडी पैसा को गिनती करना है, उसके बाद में बुक रीड करना है और फिर लगभग 10 बजे के आसपास होना है वीडियो एडिट करके। तो चलिए फिलहाल दोस्तों जल्दी जल्दी काम को हरी हरी निपटा लेते हैं क्योंकि आधा घंटा वीडियो एडिट करने में रहेगा और अभी 8:30 बज रहा है और उसके बाद में आधा घंटा तो नहीं लेकिन 10-15 मिनट भी जरूर बुक रीड करेंगे फिर सोएंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो में, इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।